वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। यह एक्सरसाइज 3.2 है। 3.1 हम पढ़ा चुके हैं और समझा चुके हैं। देखिए, अगर आप 10th क्लास का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ही बेहतरीन नंबर लाना है, तो एकदम अपने भाषा में, मदर टंग यानी मातृभाषा में, एकदम आसान भाषा में यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। यहाँ जा करके पूरा का पूरा प्लेलिस्ट इसका खोल करके और मैथ्स देखिएगा। मैथ में आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को बताया गया है, जो कि आपको बहुत ही आसान भाषा में डीपली समझ में आएगा। वैसे ही अभी तक हम लोग पहुँचे 3.2 में, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को ग्राफ जो है, ये आखिर ग्राफ होता क्या, ये हम समझा भी चुके हैं और यहां पे आपको बता रहे कि ग्राफ कैसे खींचा जाता है। ध्यान से समझिए यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आराम से ये इसका सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आपको रटने से कोई फायदा नहीं, और वैसे भी मैथमेटिक्स रटा नहीं, समझा जाता है। ठीक है, क्या कि हर एक स्टेप पर ही मैथमेटिक्स आगे आपके सामने आएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में इसका सामना करना पड़ेगा, इसीलिए इसको समझिए। ठीक है, यहां क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी कि जो भी यहाँ समस्या दिया गया है, आपको बहुत सारी समस्या है, तो इसमें उसका एक हिस्सा है 3.2 का एक नंबर समस्या। इस समस्या को देखिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और उसके बाद से समस्या देखने के बाद यह आपको किस विधि से बनाना है, तो ग्राफ वाला विधि से आपको बनाना है। ग्राफीय विधि द्वारा इस समस्या को हल करना है। आखिरकार ये समस्या है क्या, तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स क्विज। यानी कि यहाँ एक प्रतियोगिता, कंपटीशन वाला एक प्रतियोगिता प्रश्न, मतलब एग्जाम आपको टेस्ट लिया गया है, मैथ में एगो टेस्ट लिया गया है, समझिएगा। ठीक है, क्लास 10 में, और 10 में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 स्टूडेंट है यहाँ पे, आपको 10 स्टूडेंट है जो कि क्लास 10 के हैं, क्लास अभी तो क्लास 10th के स्टूडेंट है, तो 10 को क्वेश्चन पूछा गया। मान लीजिए कि आपके क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, उनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन कराया गया है। अब यहाँ आगे देखिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। यानी कहा जा रहा है कि टोटल मिला के 10 गो क्लास में विद्यार्थी 10 ठो हैं। ठीक है, उसमें लड़का के संख्या कितना है, तो यानी कि लड़की की संख्या कितना है, तो लड़का का जितना संख्या उससे 4 गो ज्यादा लड़की है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि देखिए लड़कियों की संख्या ज्यादा है 4 गो, यार ज्यादा रहेगा, पढ़ने में आजकल सबसे ज्यादा मन तो लड़कियां लगा रही है, आप तो उधर उन लोगों की तरफ मन लगा रहे हैं, तो फिर दिक्कत होने वाली बात है। इसीलिए कह रहे हैं फोकस कीजिए पढ़ाई पर, अपने गोल्स को फॉलो कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने जिंदगी में, ठीक है, अगर कुछ चीज को हासिल करना चाहते हैं तो लायक बनना पड़ेगा। नालायकों के लिए तो पूरा दुनिया ही ना मारती है। ठीक है, लायक बनिए, हर चीज आपके मतलब कदमों के पास होगी, आप उसे हासिल कर सकते हैं जब आप लायक रहेंगे। यहां देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप मिलाइएगा। ठीक है, यहां पे लड़कियों की संख्या 4 गो ज्यादा है लड़कों की संख्या से। अगर मान लीजिए कि लड़कों की संख्या 5 गो है, तो इससे ज्यादा यानी कि 4 गो और जोड़ दो तो 9 गो लड़कियों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज है, यहां पता ही नहीं है कि लड़का की संख्या और लड़की की संख्या कितना है, डायरेक्ट दिया है जितना भी होगा लड़का उससे 4 गो ज्यादा लड़की होगी। ठीक है, शर्म करना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, यहां देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टोक पार्ट इन द क्विज। यानी कि यहाँ निकालिए कि कितने लोग, कितने लड़का और कितने लड़की, बॉयज और गर्ल, ठीक है, इस क्विज में, प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। तो पहले लड़का और लड़कियों की संख्या निकालिए, लेकिन एक चीज पता है कि दोनों को मिला के कितना है जी, 10 गो है। यहाँ नहीं लिखे हैं क्या नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन 10 स्टूडेंट का है 10 ठो, आप क्या है जाए यहाँ पे दोनों लड़का और लड़की मिला के 10 ठो है, आप दिमाग लगाइएगा। और लड़का कितना है, लड़की कितना है, तो लड़का से 4 ठो ज़्यादा लड़की है, तो पहले लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, पहले एक्स वाई मान लें। ग्राफीय विधि से हल करना है, वैसे किसी भी विधि से ये सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, आसान आसान विधि है, लेकिन जो किताब में बोला है ग्राफीय विधि वही। माना कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या वो तो 5 गो 6 गो तो है नहीं, नहीं पता है तो एक्स मानते हैं, और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को मान लेते हैं हम, लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं लड़का को, लड़की को है, लड़का जितना है इसमें 4 गो ज्यादा जुड़ेंगे तो लड़की मिलेगा। यानी कि यहां प्रश्न से ध्यान से समझिएगा, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या में 4 गो अगर अधिका जोड़ देंगे तो किसकी संख्या मिल जाएगी, लड़कियों की संख्या, यानी कि हाई है लड़कों की संख्या, अगर इस लड़कों की संख्या y है इससे 4 गो ज्यादा है, मान लीजिए कि लड़कियों की, लड़कों की संख्या 5 रहता और उसमें 4 गो जोड़ देते तो लड़कियों की संख्या 9 मिल जाता, वैसे ही ये भी है, ये लड़कों की संख्या में 4 गो जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, लड़कियों की संख्या यानी x मिल जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग सीधा तरीका से लिख रहे हैं, यानी लड़कियों की संख्या एक से कब मिलेगा, जब लड़कों की संख्या में चार हम लोग जोड़ेंगे। देखिए लड़कों की संख्या वाई, वाई में हम अगर चार जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लड़कियों की संख्या। और दोनों मिला करके कितना है, यहाँ पे दोनों लड़का और लड़की मिला करके टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10। तो यहाँ देखिए पहले एक काम कीजिए, प्रश्न से लिखने के बाद लिखिएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, दोनों का संख्या मिलाने पर कितना आया है, 10, समीकरण एक। और यहाँ पे कौन किससे ज़्यादा है, तो यहाँ आप एक और लैंग्वेज लिख दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सूटेबल लिखिए। यहाँ पे आप लिखिएगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों से चार ज़्यादा है, मोर देन 4, तब लिखिएगा एक्स बराबर लड़कों की संख्या में चार को जोड़ दीजिएगा तो लड़कियों की संख्या मिलेगा। यहाँ देखिए ये प्लस में वाई है, एन आएगा तो माइनस में वाई, हमको ग्राफ बनाना है इसीलिए समीकरण बना रहे हैं। देखिए कभी भी होता क्या है, कंडीशन समझिएगा, ये प्लस में है, जैसे ही बराबर इधर जंप करेगा तो माइनस में आ जाएगा, इसको फान के जाना है, जंप करके जाना है। आप बताइए आपको अगर जंप करना है और एक रस्सी बीच में बांध दिया जाए, जैसे ही जंप कीजिएगा गलती से ही आपका क्या होगा, पैर रस्सी में फंसेगा तो आपका नक्शा बिगड़ जाएगा, वैसे ही ये भी होता है, प्लस में था इधर जंप करेगा इसको पार करेगा तो इसका नक्शा बिगड़ जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है, और जो माइनस में होता है उसका नक्शा बदल के प्लस में होता है जब बराबर जंप करता है तो, ठीक है। तो प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया, सिर्फ 4, समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 भी मिल गया, समीकरण 2 भी मिल गया। अब ये दोनों समीकरण से हमको ग्राफीय विधि द्वारा पता करना है कि लड़का की संख्या कितना है और लड़की की संख्या कितना है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। अब पहला इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, यहाँ ध्यान से देखिए, आप उधर बनाइए, पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस y इक्वल टू 10, पहला इक्वेशन ये है। और देखिए यहां से जो जो वैल्यू मिलेगा उसको एक डब्बा में इकट्ठा करके रखेंगे, यहां डब्बा एक बना लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखिए कैसे, अगर x का वैल्यू हम 0 भरे तो यहां पे x का मान अगर आप 0 भरिएगा बाकी सब वैसे ही उतार दीजिए, तो बताइए y 0 जब भरेंगे तो इसका तो कहानी खत्म हो गया, y बराबर का खाली बच रहा है, 10 बच रहा है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, अब आप y बराबर 0 भरिए, ठीक है, जब y बराबर 0 भरिएगा, y का मान 0, तो x बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक हम काम कर देते हैं, यहाँ 10 आ रहा है और 1, 2, 3, 4, 5 एक का है तो ऊपर ज़्यादा जगह लेगा, हम 2-2 का अंतराल ले लेते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, 0, 0, 2 का 4, 6, 8 और ये 10, ये भी मान लो 2 का अंतराल, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये पहला समीकरण से बना, समीकरण एक से, समीकरण दो से बनाइए, एक्स माइनस वाई बराबर 4, जो भी मिलेगा एक जगह डब्बा में इकट्ठा रखेंगे, जब एक्स का मान 0 भरिएगा, इसका मान क्या भरना है, 0, तो ये खत्म हो जाएगा, तो वाई बराबर 4 मिला लेकिन माइनस में रहेगा, वाई बराबर 4, 0 भरने से सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। अब वाई बराबर 0 भरिए, तो जब वाई बराबर 0 भरिएगा तो ये खत्म, तो एक्स बराबर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। अब यहाँ पे ये दो टर्म मिल गया, इन्हीं दोनों को हम लोगों को पूरा ग्राफ में डब्बा में से जो भी नंबर मिले उसी से ग्राफ खींचना है, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 10, जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर 10 यहाँ पे आया, जब वाई बराबर 10 एक्स बराबर 0 तो वाई, हाँ ठीक है, जब एक्स बराबर 10 तो वाई बराबर 0, जब एक्स बराबर 10 ये एक्स वाला है तो वाई 0, हमको ये इधर 10 मिला, इधर ये दोनों को मिला दो, एगो समीकरण से एक लाइन मिला, ठीक है। दूसरा समीकरण देखो, जब एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर माइनस 4, यहां तो हम लोग लिखे ही नहीं है, लिख दीजिए, इधर माइनस वाला वाई है, माइनस 2 माइनस 4, इधर भी लिख दीजिए माइनस 2 माइनस 4, दो दो का अंतराल लिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, जब एक्स बराबर 0 तो वाई बराबर माइनस 4, इधर वाई वाला है पार्ट, ठीक है। अब जब एक्स बराबर 4 तो y बराबर 0, ठीक है, हम लोग x y ऐसे लेंगे ऊपर नीचे, ये नहीं कि साइड वाले ले, साइड वाला बहुत लड़का ले लेता है, ठीक है। अभी दोनों को मिला दीजिए, जब आप दोनों को मिलाइएगा तो कहीं ये आपका ग्राफ कटेगा, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ग्राफ कटेगा, जहां पे कटेगा उधर से नीचे देखिएगा, ठीक है, जहां पे कटेगा वहां से आपको कहां देखना है, नीचे देखना है, तो नीचे जब आप देखिएगा तो यहां क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है 6 और 8 के बीच में क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है, x लग रहा है ऐसे 7 मिलेगा। आज जब इधर देखिएगा तो यहां देखिए
ऐसा लग रहा है ये बीच में जाके मिल रहा है, तो दो और चार के बीच में क्या मिला, तीन मिला, यानी एक्स का वैल्यू सात मिल रहा है, सात पर आके मिल रहा है, एक्स बराबर सात पर, और वाई का वैल्यू तीन पर आके मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए वाई क्या माने हैं, लड़कों की संख्या क्या मिला है तीन, आ इससे कौ गो ज्यादा लड़की है तो चार गो ज्यादा है। तो देखिए तो जब लड़का तीन गो तो चार गो ज्यादा कीजिएगा तो सात गो लड़की हो जाएगी कि नहीं, तो एक्स वही तो माने हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा कि लड़कियों की संख्या सात और लड़कों की संख्या तीन, यहाँ पे आप भर के निकाल लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ लिख दीजिए डायरेक्ट, जब एक्स बराबर कितना आया सात और वाई बराबर आपका आ गया, साइड में कहीं भी आप जगह होगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत ही बेहतरीन तरीका से आया होगा। एक्स वाई का मान ये नहीं कि ये वाला दे, जहाँ पर दोनों पॉइंट मिल के एगो अपना लीडर चुनेगा और वो उस वहीं पे नीचे हम लोग देखेंगे अगर, तो वो एक्स वाला लाइन पर आएगा तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, और जो वाई पर जाएगा वो वाई का वैल्यू हो जाएगा। तो एक्स वाई क्या माने हो तुम, एक्स वाई एक्स माने हो सेवन यानी लड़कियों की संख्या, लड़की सात गो है और लड़का वाई माने हो तो तीन गो है, बताइए ना लड़की ज़्यादा है कि नहीं चार गो, तो वही तो बोला था कि चार गो क्या है वाई से चार गो ज्यादा लड़की है। यहां भरिएगा वाई का मान अगर तीन तो चार और तीन सात, एक्स बराबर कितना आ जाएगा सात। तो आप पहले क्या कीजिएगा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद से ये ग्राफ वाला साइड में मान लीजिए, उसके बाद ग्राफ खींचिएगा और जो मिलेगा वो नीचे लिख दीजिएगा एक्स बराबर सेवन और वाई बराबर थ्री। तो उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप दो देखिएगा, देखिए समस्या तो बहुत आसान है, ये जो समस्या आपको दिया गया, समस्या का मतलब एक क्वेश्चन है जो आपको समस्या की तरह लग रहा है, बहुत आसान है। अगर आप मार्केटिंग करते हैं, बाजार में जाते हैं, तो कोनो आपसे पूछ दिया कि बताओ बाबू कि एक गो पेन का दाम पाँच रुपया है, तो पाँच गो पेन का दाम, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, पाँच गो दाम कहिएगा पच्चीस रुपया, दोनों को गुणा कर दीजिएगा, कब, जब आपको एक गो पेन का दाम पता रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको पेन का दाम नहीं पता है तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जनरली लोग मानते हैं एक्स और वाई, इसलिए आप भी मानिएगा। देखिए पांच पेंसिल और सेवन पेन का दाम मिला करके है कितना पचास रुपया, तो पांच को पेंसिल का दाम और सात को पेन दोनों को मिलाया गया है तो पचास रुपया है। तो बताइए पांच को पेंसिल का दाम आपको पता है, पहले तो एक को पेंसिल का दाम पता रहेगा तब ना पांचों का, आप मार्केट गए हैं पांच को पेंसिल खरीद के लाना है तो पहले आपको एक गो का दाम पता होना चाहिए कौ रुपया है, तब ना पांच गो का पैसा दीजिएगा। तो पहले एक गो का दाम आपको निकालना पड़ेगा, फिर पांच से उसमें गुणा, फिर सात को पेन खरीदना है तो एक गो पेन का दाम आपको पता रहेगा कि एक गो पेन का दाम पांच रुपया, तो सात गो पेन ले लिए तो उसको सात पचे पैंतीस रुपया देना पड़ेगा। उसी हिसाब से ये भी करना है, पहले एक गो का दाम निकालो, माना कि एक पेंसिल का दाम, पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा एक रुपया हो जाएगा, तथा एक पेन, आप कलम भी लिख सकते हैं, पेन का दाम कितना हो जाएगा वाई रुपया। कुछ देर के लिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक गो पेंसिल का दाम दो रुपया होता, आप पांच गो पेंसिल खरीदे होते तो कौ रुपया मार्केट में देना पड़ता आपको, पांच से गुणा कर देते पाँच दूना दस रुपया देना पड़ा है, एगो का दाम पता है तो। लेकिन यहाँ एगो का दाम आप क्या माने हैं, आप एगो का दाम माने हैं एक रुपया, आपको खरीदना कब है पाँच गो है, तो पाँच में एक से भी तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा पाँच एक्स हो जाएगा, फिर ये वाई रुपया माने हैं तो ये सात वाई, और दोनों रुपयों मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा पचास रुपया हो जाएगा। तो फिर यहाँ लिखिएगा प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे पाँच एक्स प्लस सेवन वाई या दोनों पैसा मिला के पचास रुपया, ठीक है, ये साइड में हम लिखते हैं, इधर जगह का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रश्न से ठीक है, पाँच एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू पचास रुपया, ठीक है। अब बताएं उसके बाद बोल रहा है कि अब आप क्या कहें कि सात को आप पेंसिल, पहले पाँच को पेंसिल खरीदे आप पलट दिए, अब यहाँ मामला गड़बड़ हो गया, सात पेंसिल खरीदे पाँच पेन खरीदे, आइए दोनों का दाम मिला के छियालीस रुपया दिए हैं, यानी सात पेंसिल, पेंसिल तो एक से है और पाँच कलम का दाम 46। बताइए समीकरण तैयार हो गया, अगर आपका एक ही गो तो रूल है ना, वो रूल क्या है कि जब भी आप दो गो समीकरण बना लीजिए तो पहले एक गो समीकरण को धीरे से उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए, उससे जो भी आपको नंबर मिलेगा एक गो डब्बा में इकट्ठा कीजिएगा, क्योंकि उसी नंबर के जरिए हम लोग ग्राफ खींचेंगे। पहले हम एक गो समीकरण बनाते हैं, समीकरण एक से, फ्रॉम इक्वेशन वन, समी का मतलब समीकरण समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए
5x प्लस 7y इक्वल टू 50, और यहाँ पे समीकरण एक है। एक वो डब्बा बना लेते हैं ताकि जो जो मिलेगा इसमें इकट्ठा करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए x यहाँ पे डायरेक्ट पहले कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर भरिएगा ना जो कट जाए, ताकि नहीं तो कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा, और जब पॉइंट में आएगा तो कहीं आपको ग्राफ उधर खींचने में परेशानी हो जाए। इसलिए y बराबर पहले जीरो रखिए। तो 5x किसी चीज़ का मान जीरो रखते हैं तो जीरो एक ऐसा गधा नंबर है, उसके साथ जो भी आएगा उस सबको गधा बना देता है, यानी खत्म कर देता है, वैल्यू है खत्म। साथ में जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो इसका मान है खत्म, खाली बचा 5x बराबर 50 बचा। कटाइए 5 दहिया 50, x बराबर क्या आ गया 10। जब हमने रखा बाबू एक y का मान 0 तो x का मान मिला 10। अब एक काम करते हैं हम, फिर y बराबर रखते हैं 5 अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आए। 5 हम यहाँ बनाए नहीं है, डायरेक्ट किए हैं, लेकिन ये वाला बना रहे हैं, ठीक है। जो आसान है उसको बनाने से कोई फायदा नहीं है। 5x 7x कितना हो जाएगा, 35 बराबर 50 हो जाएगा, और 5x बराबर ये प्लस में है, नंबर को नंबर के पास भेजते हैं तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 50 माइनस 35 घटाने के बाद आएगा कितना, 5x बराबर हो जाएगा 5 यहाँ पे 50 में से 35 जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपका 15, अब 15 x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्ट इधर लिख लीजिएगा 5x बराबर 15, अब 5 हो जाएगा 15, x बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम भरे थे y का मान 5 तो x का मान कितना आया था, 3 आया था, ठीक है। अब इससे एक समीकरण पर हम लोग को ये डेटा मिला, दूसरा समीकरण बनाते हैं। समीकरण को बनाइए, देखिए समस्या को जब तक समाधान नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। नहीं तो इसको अगर छोड़ दीजिएगा, चलो एक ग्राफ छोड़ते हैं, 5 नंबर 7 नंबर गया यार, एक एक समस्या बढ़ते बढ़ते इतना सारा समस्या हो जाएगा कि आपसे बहुत बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए एक एक छोटा छोटा परेशानियों को दूर करो, ठीक है। ये बराबर 46 है, ठीक है। इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, समस्या है तो खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक्स बराबर अगर हम रखें 8 रखें, ठीक है, तो जब हम 8 रखेंगे तो 7 × 8 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 46, 57 हो जाएगा 56 प्लस 5y बराबर 46, ये हो जाएगा 5y, प्लस में नहीं आएगा तो हो जाएगा माइनस में 40, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 56, ठीक है। और यहाँ 5y बराबर हो जाएगा, घटाने पर ये हो जाएगा 10, कटाइएगा माइनस में 10 होगा, 5 × 10 y बराबर माइनस 2 आया, ठीक है। ये हमको एक डेटा मिला, यहाँ पे डब्बा में हम लोग रख लेते हैं x और y। x का मान हम क्या रखे हैं, x का मान हम रखे हैं 8, तो y का मान निकला है -2। अब एक काम करते हैं, हम x बराबर रखते हैं यहाँ पे, जो मन करे वो आप रखिए, बट्टा में बस आएगा तो परेशानी खुद बनाने में होगा। एक काम करते हैं x बराबर 3 रखते हैं, तो जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 7 × 21 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर हो जाएगा 46 में से 21 घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 6 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा तो 25, 50 हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5। जब x बराबर 3 रखा गया तो y बराबर क्या आया, 5 आया, ठीक है। यही आपका यहाँ पे निकला। इससे हम लोग अब ग्राफ बनाएंगे, वो अब यहाँ जो भी वैल्यू निकला उसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। डेटा यहाँ दिया हुआ है, इसका ग्राफ हम लोग खींच लेते हैं। पहले ऐसे कर दें, यहाँ ये आप जानते हैं कि ये प्लस माइनस, ये माइनस में होता है, 2 का अंतर -2 - 2 × 4, ये भी -2 - 2 × 4, ठीक है। यहाँ लिखिएगा 2 4 6 8 10, यहाँ भी लिख दीजिएगा 2 4 6 8 10, ग्राफ खींचिए। ये ग्राफ पर ही ग्राफ सूटेबल खींचा जा सकता है। एक्स का मान अगर आप 10 रखिएगा इसके हिसाब से, तो वाई का मान आपका 0, यहाँ 0, 0 होता है, दोनों 0 होता है, जिसका मान 0 यहाँ पे होगा। फिर एक्स का मान अगर 3 रखिएगा, एक्स का मान क्या रखना है, 3 रखना है, यहाँ अगर एक्स का मान आप रखेंगे 3 तो यहाँ पे होगा, तो वाई का मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, वाई वाला ये है 5, यानी इससे जो पॉइंट मिलेगा आप इसको मिला लीजिएगा, यहाँ पे मिला है दोनों से एक पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट को जो बाहर मिलता है इसको हम मिला देते हैं, ये पॉइंट नहीं मिलाते हैं इससे। देखिए अगर दो ठो वैल्यू दिया है तो दोनों से जो तीसरा पॉइंट बनेगा उस पॉइंट को, जो पहले से एगो बचा है, देखिए इससे हमको मेन पॉइंट मिला 10, और इससे दोनों से हमको मिला, ये दोनों को मिला तो ये पॉइंट, ये दोनों को हम लोग मिला दिए। ये है आपका 3, और ये है आपका 10।
ठीक है, x का मान 10। अब यहाँ देखिए x का मान 8 और y का मान -2, तो -2 ये वहाँ पे है, तो इससे हम लोगों को एक पॉइंट मिलेगा। देखिए क्या यहाँ पे मिला, ठीक है। उसी तरह x बराबर 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, आपका कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। और y बराबर 3, तो y कहाँ है, ये वाला है 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो एक देखिए का हमको चीज़ मिला, यहाँ से मिला है 5, ये वाला 3 और 5 मिला, ये वाला पॉइंट मिला और ये बाहर ये मिला, इसको आप क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा। जब आप मिलाइएगा तो कहीं से कटेगा, और जहाँ पे कटेगा ठीक है, वहाँ से नीचे देखिएगा वो x का वैल्यू होगा, और इधर देखिएगा तो y का वैल्यू होगा। ये आपका ग्राफ के कॉपी में ही संभव है, इधर उधर इसमें डायरेक्ट बनाने पर हिल जाता है। वैसे मेरा आया है यहाँ पे मिलाने के बाद से, मान लीजिए इधर भी गया है थोड़ा सा, लगे तो 3 आया है x का वैल्यू, और y का वैल्यू 5 आया है, ठीक है। यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5। आप अपना ग्राफ बना के देख लीजिए कि आपका ग्राफ कहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि आपके पास अगर कॉपी होगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा और कटेगा भी। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा, बहुत ही आसान है। पहले ही हम एक चीज आपको बताते हैं, याद कीजिए, समांतर, समपाती और प्रतिच्छेदी, यानी कि पैरेलल, इंटरसेक्ट और आपका कोइंसिडेंट बता दिए थे। ये तीनों आखिर होता क्या है, कैसे बनता है, ठीक है। यही चीज फिर वहां दिखाना है, तो अब तो आसान हो गया ना। देखिए मैथमेटिक्स होता बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाने का तरीका जो होता है उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को लगता है कि कितना टफ है, लेकिन आपको यहां बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा प्लीज शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, यानी कि यहां जो भी बट्टा वाले को तो पहले रेशियो कहते हैं, इतना तो जान लो, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, और बाकी डॉट डॉट डाल दिए हैं, पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। इसी को ये जो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में बदल देना है, उसके बाद से इसमें कंपेयर करना है और दिखाना है कि जो ये दोनों इक्वेशन है वो किस प्रकार के ग्राफ को बनाएगा, यानी कि कैसा इक्वेशन को बनाएगा वो ग्राफ, यानी कि इंटरसेक्ट करेगा, यानी एक दूसरे को काटेगा। देखिए दो को समीकरण है तो दो को लाइन बनेगा, बताया था उस समय से ग्राफ में, एक को ग्राफ से एक को लाइन और एक एक क्या होगा, एक लाइन। अगर दोनों एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब उसको इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, ठीक है। अगर एक दूसरे को क्या कर रहा है कि सामने आ रहा है, ट्रेन के पटरी के जैसा एक सामने, तो वो बोलेंगे समानांतर, यानी पैरेलल है। अगर वो एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे वो क्या है, वो समपाती है, ठीक है। उस हिसाब से यहां पे देखेंगे कोइंसिडेंट है। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, A1 A2 आपको पता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 यहाँ पे लिख देते हैं हम। A1 कितना है, 5/7, ठीक है। ऐसे हम करते हैं, A1 बराबर 5, A2 बराबर उसके नीचे पहला वाला ही होता है 7, B1 बराबर -4, अब B2 बराबर होता है 6, C1 बराबर होता है 8 दिया है यहाँ पे, और C2 बराबर है -9, ठीक है। अब हम काम करते हैं, इसको बट्टा करते हैं, बोला है इस रेशियो में पहले शो कर लीजिए, A1 कितना है, तो A1 5, A2 है 7, -4 6, 8/9, ये तीनों सजा लिए। अब बताइए इन तीनों में देखिए ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, यानी पहला वाला अगर दूसरे वाले के बराबर नहीं हो तो वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी होगा। बताइए 5/7 पहला वाला, दूसरा वाला 4/4, दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो जब पहला वाला बराबर नहीं है तो दूसरे वाले पर हम लोग ध्यान देवे नहीं करेंगे। मान लीजिए कि नदी के उस पर जाना है, पहले वाला पुल भस गया हो तो ऊपर का सपना देखने से कौन फायदा तो है नहीं। तो यही बात है, जब पहला वाला ही हमारा क्या हो गया, बराबर नहीं है, एक मतलब इसीलिए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखिएगा, ठीक है, कि a1/a2 is not equal to b1/b2, so reason is that this is a intersecting line, यानी कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, क्योंकि पहला वाला दो। तो आप दो तरीका से प्रतिच्छेदी पहचान सकते हैं, या तो आप ग्राफ को देखें, तो इसमें तो ग्राफ बनाना है नहीं, डायरेक्ट इसी को देख के बनाना है, ठीक है। तो यहां पे इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ पैरेलल होगा, इसका ग्राफ एक के ऊपर एक लाइन चढ़ा रहेगा, ठीक है। अब ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर बस यही हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेक्टिंग होगा, प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग यानी हिंदी में लिख लीजिएगा प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए आप सेकंड वाला समझिएगा, इसी रूप में पहले सजा लीजिए। सजाना क्या है, A1 है 9/18, A2 हो जाएगा B1 B2 यानी कि 3/4,
6 हो जाएगा, C1 यानी 12 बट्टा 24 हो जाएगा, कटाइएगा 9 दूना 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, इधर बचा 1 बट्टा 2, ऊपर 1 बचा रहता है, 1 बट्टा 2, 1 बट्टा 2, ये तो तीनों आपस में बराबर है। तो बताइए A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 किस में होता है? तो तीन नंबर में होता है, यानी समपाती में होता है, यानी कि कोइंसिडेंट में होता है। तो अगर इसमें हो रहा है, इसका मतलब ये लाइन कैसे होगा? समपाती होगा। तो यहाँ आप लिख लीजिए कोइंसिडेंट यानी कि समपाती होगा, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। इन तीनों के बारे में जान लीजिए, याद रखिएगा, मैट्रिक के एग्जाम में अगर आपको 95 प्लस मार्क्स लाना है, 90 यानी 95 के पार लाना है, याद रखिए एक के पॉइंट को आपको डीपली समझना पड़ेगा, रटना नहीं है। अगर जिस दिन मैथ में आप क्वेश्चन को रटना शुरू हो जाएंगे, आपका नंबर घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रटिए मत, समझिए, दिमाग में फिट कर लीजिए इसको कि ये आखिर हम कैसे बना रहे हैं, आपसे क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। इस तरह से और इस हिसाब से आपको ये समझ में आएगा तो थ्री लेसन से सबसे ज्यादा इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब से दो को इक्वेशन ऐसे दे देगा, दो ठो जैसे दिया है, आप पूछेगा बताइए ये दोनों इक्वेशन क्या है, प्रतिच्छेदी है, समानांतर है, संपाती है, यानी कि इंटरसेक्टिंग है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो अब फिर बिना देर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहां हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। ये जो 2 नंबर क्वेश्चन था सेम एज इट इज वैसे ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर तो आने वाला दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें तो रहता ही है, ठीक है। तो यहां थोड़ा सा देखिए अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा। उसमें क्या कह रहा था कि यहां कंपेयर करना है, 2 नंबर में भी कह रहा था, इसमें भी कंपेयर करना है, A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2, यानी यहां पे 2 ठो इक्वेशन दिया है, इसमें A1 A2 B1 B2 और C1 C2 भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब इसमें आपको A1 A2 B1 B2 तो लिख लेना है, लेकिन लिखने के बाद उसमें आप पैरेलल कर रहे थे, यानी A1 बटा A2 अगर B1 बटा B2 के बराबर नहीं था, आप ऐसे लिख रहे थे बराबर नहीं था, तो आप इसको कह रहे थे कि ये लाइन कैसा है, तो ये लाइन आपका प्रतिच्छेदी है, यानी एक दूसरे को काटेगा। अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर हो, लेकिन C1 बटा C2 अगर बराबर नहीं हो, तो आप बोले कि वो लाइन पैरेलल था। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 बराबर तीनों हो, तो वो लाइन क्या था, एक के ऊपर एक सट रहा था। इतना हम बताए, यानी कि उसको बोलते हैं समपाती, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को समझ लेना है तो ये बन जाएगा, यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे समझिएगा, यहां पे कंसिस्टेंट बोल रहा है और यहां पे इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट बोल रहा है, यानी कि संगत बोल रहा है और एक बोल रहा है असंगत। समझिएगा ये दोनों पॉइंट को, संगत के माने जो भी यहां ग्राफ बनेगा अगर साथ में हो तो उसे संगत बोलेंगे, अगर साथ में नहीं हो तो उसे असंगत बोलेंगे। तो आप बताइए ये तीनों में साथ में कौन कौन है? एक तो ये साथ में है, कहीं ना कहीं एक बार भी मिला है ना जिंदगी में, कहीं ना कहीं अगर एक बार पूरा का पूरा मिला है तो उसको संगत बोलेंगे। कभी वो दोस्त हुआ करते थे, लोग ऐसे कहते हैं ना, अब नहीं है। तो देखो एक बार अभी मान लो कि ये लाइन एक जगह मिला है, तो ऐसे अगर ई वाला कंडीशन आ जाएगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 का, तो समझ जाएगा वो क्या है, संगत होगा, क्योंकि वो एक जगह कहीं ना कहीं साथ में है। आइए तो शुरू से जन्म से लेकर के मरते दम तक जब ये क्या है, लाइन दोनों क्या है, साथ में, एक लाइन के ऊपर एक लाइन, तो ये तो संगति है शुरू से है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी संगत हो जाएगा। लेकिन इन दोनों लाइन को देखो, ये दोनों लाइन जाके कहीं नहीं मिलते हैं, कहीं साथ नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लाइन को हम लोग असंगत लाइन कहते हैं, ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन हो जाएगा कंसिस्टेंट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे, यानी कि अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं हो तो भी कंसिस्टेंट, और ये वाला भी हो तो भी कंसिस्टेंट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं, A1 क्या है, 3 है, A2 क्या है, 2 है, B1 क्या है, 2 है, और B2 क्या है, -3 है। बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। तो जब पहला वाला ही बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, एक जगह मात्र मिल रहा है, यानी कि साथ में है, इसीलिए इसको क्या बोले, कंसिस्टेंट बोलेंगे, यानी संगत बोलेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट यानी कि आप लिख सकते हैं संगत हो जाएगा, ये संगत रेखा हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन देखिए, दो नंबर में A1 क्या है, यहाँ देखिए A1 है आपका 2, A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6,
सी वन है आपका 8 और सी टू है आपका 9, ये कट जाएगा 2 × 4 3 × 6 ये नहीं कटेगा, ये आया 1/2, ये भी आया 1/2 और ये है 8/9, ये दोनों आपस में बराबर है लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो आप बताइए जिसमें पहला वाला बराबर हो कि दूसरा वाला बराबर नहीं हो तो वो लाइन समानांतर होगा, यानी कहीं नहीं सट रहा है, यानी ये संगत है ही नहीं, कहीं पे साथ में रहता तब ना संगत होता, इसमें भी साथ में है, इसमें भी एक जगह साथ में है, इसमें साथ नहीं, तो इसको बोलेंगे असंगत, ये साथ में है ही नहीं, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है, यानी असंगत है, ये क्या हो जाएगा असंगत हो जाएगा, यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका हो गया, यही पूछ रहा था ये कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है, तो ये ऐसे बना लीजिएगा, ये भी बना लीजिएगा, ऐसे फॉर्मूला यहाँ पे आपको समझा दिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग देखते हैं अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ अब हम देखेंगे 3 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, 3 और 4 है, यहाँ पे समझते हैं सेम वैसे ही ये रूल वही है, कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2, a1 a2 आपको समझाते हैं, पहला वाला ये, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, फिर पहला वाला ये, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, तो बार बार ए दो ठो हो गया, इसीलिए को एक मान लेते हैं a1, ए को a2। यहाँ कंपेयर कीजिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2, बाद में बराबर वगैरह लगाएंगे ये देखने के बाद। a1 क्या है 3/2, b1 क्या है a1/a2, तो a1 हो गया ये हो गया आपका a1, ये हो गया आपका a2, ये हो गया आपका b1 इसमें का, तो इसमें का ये हो जाएगा b2, ये हो जाएगा c1, इधर ला के भी आप कर सकते हैं, ये हो जाएगा c2, ठीक है। तो यहाँ पे अब हो जाएगा आपका b1 क्या है, तो b1 आपका हो जाएगा 5/3, यहाँ a1 इतना हो गया, a2 हो गया 9, b1 हो गया 5/3, b1 पूरा, अब b2 हो गया माइनस में 10, ठीक है, c1 हो गया आपका 7 और c2 हो गया आपका 14। अब बताइए जब यहाँ नंबर होता है तो बटा एक नीचे मानते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, यानी ऊपर नीचे ऊपर, अब बीचे बीचे नीचे, यानी दोनों बीच वाला नीचे, तो ये चला जाएगा ऊपर हो जाएगा 3, अब बटा बीच वाला दोनों नीचे, यानी 2 × 9 नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 5 ऊपर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 × 10 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा 7/14, ये हो जाएगा 3/9 × 18, ये हो जाएगा 5/10 = 50, ये हो जाएगा 7/14। वैसे आप बताइए ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों तो पहले ही वाला आपस में बराबर नहीं है, तो जब पहले ही वाला बराबर नहीं है तो वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समपाती बोलते हैं, यानी सॉरी समपाती नहीं, वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं संगत, यानी प्रतिच्छेदी होगा, इंटरसेक्टिंग जब होगा तो एक साथ एक जगह मिल रहा है ना, जब पहला वाला बराबर नहीं है तो उसे हम लोग प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और जब प्रतिच्छेदी बोलते हैं तो क्या होगा, वो लाइन संगत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में भी हम लोग कंपेयर सबसे पहले करेंगे a1/a2 वाला, ठीक है, a1 यानी 5/a2 कितना है, ये वाला a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये c2, a1 आपका है 5, a2 है -10, b1 है आपका -3 और b2 है 6, C1 है आपका 11 और C2 है -22। एक बात आपको बता दें, सबसे पहले जो ये माइनस कहीं ऊपर कहीं नीचे कहीं बीच में ये सब दिखाई देता है ना, इसको नीचे ऊपर कहीं मत समझिए, इसको ऊपर ही पूरा समझिएगा, या तो बीच में समझिएगा, ऊपर है चाहे नीचे रहे उसे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, सब माइनस में है, ठीक है। तो ये बीच में लिख दीजिएगा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, 5/10, 3/6 और 11/22, ठीक है, कटाइए 5 × 10, 3 × 6 और 11 × 22, -1/2 = 1/2, माइनस में ये भी हो जाएगा -1/2, ये सब बराबर आया, जब सब आपस में a1 a2 बराबर हो तो ऐसे लाइन को हम लोग संपाती बोलते हैं, और संपाती का मतलब एक लाइन पर एक लाइन चढ़ा रहा है, तो बताइए कहीं ना कहीं ये साथ में मिले ना, ये तो शुरू से साथे में है, जब से पैदा लिया है तब से मरते दम तक लास्ट तक साथ में है, तो जो साथ में रहता है उसे हम लोग बोलते हैं संगत,
ठीक है, क्या बोलते हैं संगत, यानी कि ये तीनों कंडीशन में, दो में क्या होता है सात होता है, इंटरसेक्टिंग में एक जगह सात, यहाँ शुरू से सात, तो सात दो जगह निभाए, इसमें होता है पैरेलल, तो पैरेलल होता है असंगत, लेकिन ये वाला आपका संगत हुआ, तो दोनों आपका संगत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपके लिए ये जो पाँच चार नंबर तक हम बना दिए, पाँच नंबर आप क्वेश्चन घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आपका संगत है या फिर असंगत है जो आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।